हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं रोज़ाना की तरह आ गई हूँ आपके लिए नई रीडिंग लेकर। इस रीडिंग में फ्रेंड्स हम चेक करेंगे कि आप दोनों की आज की करंट एनर्जीज क्या हैं, ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं और एक दूसरे के लिए एनर्जीज क्या हैं। हम चेक करने वाले हैं फ्रेंड्स कि आज का दिन आप दोनों के लिए कैसा रहेगा। मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। कल कई लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मैम आप इमोशनल लग रहे हो, डिस्टर्ब लग रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वायरल हुआ है जिसकी वजह से मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड और चेक करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी से शुरुआत करेंगे। अगर आपकी एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती है तो आपके पर्सन की एनर्जीज भी आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग टाइमलेस है, टाइम के कोई लिमिट नहीं है, जब चाहें तब देख सकते हैं, लेकिन जनरल है, कलेक्टिव है। सभी साइन, सभी जेंडर, सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लोग, सभी ह्यूमंस इस रीडिंग को ओपनली ओपन माइंड के साथ चेक कर सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन की उनकी एनर्जीज कैसी हैं। ओम नमः शिवाय। 88 पोर्टल कल ही गया है। आज के दिन आप काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो एंड अगर कुछ लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, तो आज के दिन आप उनको टोटली इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। आज के दिन आप ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हो, खुद के लिए लाइफ को जीना चाहते हो, खुद के फीलिंग्स पर ध्यान देना चाहते हो, खुद की हेल्थ, खुद की वेल्थ, खुद की अबंडेंस पर ध्यान देना चाहते हो, तो आज के दिन में आपकी शुरुआत जो होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आपको लगेगा कि यार आज के दिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ, फ्यूचरिस्टिक हूँ एंड लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हूँ। लेकिन स्टिल हो सकता है कि इस चीज़ से आपके आसपास वाले लोग जेलस में आ जाएं, परेशान हो जाएं, डिस्टर्ब हो जाएं, जिसकी वजह से वो आपसे कोई लड़ाई झगड़ा मोल लें, आपको डीमोटिवेट करें या फिर आपसे आर्ग्यूमेंट्स करें। तो अगर आज के दिन ऐसा कुछ होता है तो आपको पहले से अलर्ट रहना है, सावधान रहना है और इन चीज़ों को अवॉइड करना है। बेवजह के आर्ग्यूमेंट से, मनमुटाव से, लड़ाई झगड़ों से अलर्ट रहिए। जितना हो सके उनको इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के दिन आप खुद की लाइफ पे फोकस करेंगे। हो सकता है कि आपके बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स को ये चीज़ पसंद ना आए, आपके आसपास के लोगों को ये चीज़ पसंद ना आए, कि आप उन पर कॉन्सनट्रेट करके अपनी लाइफ पर कॉन्सनट्रेट क्यों कर रहे हो, जिसकी वजह से हो सकता है वो नाराज़गी व्यक्त करें या फिर आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करने की कोशिश करें। लेकिन आपको अपनी एनर्जी को ख़राब नहीं करना है उन लोगों के लिए, आपको पॉजिटिव रहना है और आर्ग्यूमेंट्स को इग्नोर करने की कोशिश करना है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड और अगर आप में से कई लोग मैरिज से रिलेटेड कमिटमेंट का, कन्फेशन का वेट कर रहे हैं तो आज के दिन में कई लोगों को वो रिसीव हो सकती है। और करियर से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जिसके बाद डेफिनेटली आप बहुत हैप्पी फील करेंगे। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आज के दिन आपको आपके हार्डवर्क्स के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और जिस काम को आप बहुत टाइम से कर रहे हैं वो काम आज आपका पूरा हो सकता है। आज के दिन आप अपने वर्क पे, अपने करियर पे, अपने मेकओवर पे, अपनी लाइफ पे फोकस करते हुए काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके कलीग्स या फिर आपके फैमिली में कोई मेम्बर या फिर आपके बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो आज के दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब एंड अनईजी फील करें। उन्हें ऐसा लगे कि यार आज के दिन आपने उन्हें कॉल, टेक्स्ट, मैसेज नहीं किया या उनका हालचाल नहीं पूछा या आज के दिन आप इग्नोर कर रहे हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो आपके साथ थोड़ी सी नाराज़गी पेश करें। लेकिन आपको अगेन उन चीज़ों को अवॉइड करना है। आज के दिन की आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कहीं घूम के आ सकते हो, फाइनेंसेस, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं एंड पूरा दिन आपका ऑक्यूपाई रहेगा, आप काफ़ी पॉजिटिव रहोगे। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आज के दिन आप थोड़े से स्ट्रिक्ट रहोगे, जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं उन चीज़ों को आप किसी भी कोस्ट पर एक्सेप्ट नहीं करोगे। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आज के दिन आप लॉजिकल, प्रैक्टिकल काफ़ी रहने वाले हो, सो कोई भी आपको इमोशनल करके अपने बातों में नहीं उलझा सकता और नहीं फंसा सकता। आज के दिन आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे। हो सकता है जो आपके जूनियर्स हैं या जो आपके अंडर काम करते हैं उनको भी आप कुछ नया लेसन सिखाओ, कुछ नया समझाओ और डेफिनेटली आज के दिन लोग आपकी बात सुनेंगे भी।
अब हम चेक करते हैं कि आज के दिन आपके पार्टनर्स की एनर्जीज कैसी रहेगी। आज के दिन आपकी एनर्जीज तो काफ़ी पॉजिटिव हैं, आप काफ़ी लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, बेवजह की बेफजूल की बातों को इग्नोर कर रहे हो। तो आज के दिन आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज हैं वो चेक करते हैं। सभी जोडियक साइंस इस रीडिंग में मौजूद हैं। आज के दिन आपके पर्सन आपको काफ़ी स्टॉक करेंगे, आपके बारे में काफ़ी सोचेंगे, आपके बदली हुई लुक को काफ़ी देखकर खुश होंगे, आपकी तरफ उनका काफ़ी अट्रैक्शन होगा और डेफिनेटली वो भी थर्ड पार्टी को रिमूव करके या उससे नज़रें चुरा कर या छुपते छुपाते आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं। एंड आपको लेकर काफ़ी पैशनेट होते हुए आज के दिन दिखाई देते हैं, उनके मन में आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स रहेंगी। वहीं दो सिचुएशंस में आप या करियर, आप या उनकी फैमिली, आप या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो सिचुएशंस में वो जगल करते हुए भी दिखाई देते हैं, क्योंकि आज आपका अटेंशन उन पर कम रहेगा, इसकी वजह से वो अंदर से और ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन, ये डाउट आता है कि अगर आप उन पर अटेंशन ना दें तो क्या वो डिस्टर्ब होंगे, क्या उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा, तो डेफिनेटली आज के दिन की एनर्जी ये बता रही है कि अगर आप उन पर कॉन्सनट्रेट नहीं करोगे, उन्हें इग्नोर करोगे या फिर अपनी लाइफ पर कॉन्सनट्रेट करोगे तो इससे वो ट्रिगर होंगे, वो परेशान होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे। एंड डेफिनेटली आज का दिन आपके पर्सन के लिए काफ़ी ओवरबर्डन एंड ओवर स्ट्रेस्ड वाला रहेगा। आपके पर्सन को पूरे दिन में कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा, उनका मैक्सिमम फोकस आपकी लाइफ पर, आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है उस पर रहेगा, और आप उनसे अगर कॉन्टैक्ट नहीं करते हो, अपनी एनर्जी उन्हें नहीं सेंड करते हो, तो वो बहुत थका हुआ एग्जर्शन में खुद को पाएंगे एंड उन्हें लगेगा कि यार लाइफ में आज का दिन बहुत ही बोरिंग है। और आज के दिन के एंड तक हो सकता है कि आपके पर्सन ये डिसाइड करें कि उन्हें आपकी तरफ एक सॉलिड एक्शन लेकर बढ़ना चाहिए, जो कि मैंने आपकी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल एनर्जी में भी कहा कि आज के दिन में आप में से बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट या कन्फेशन मिल सकती है। तो हो सकता है आप में से कई लोगों के पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करें या आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करें, आपको कमिटमेंट दें और आपको कन्फेस करें लव कॉल। वैसे आपके पर्सन आज के दिन दो सिचुएशन के बीच में काफ़ी जगल करते हुए दिखाई देते हैं, ओवर बर्डन एंड टेंशन में आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन स्टिल कोई कार्मिक साइकिल ओवर होता हुआ दिखाई देता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में से, आप दोनों की लाइफ में से ओवर होती हुई दिखाई देती है, और हो सकता है कि आपके पर्सन आज के दिन के एंड तक आपकी तरफ एक्शन लेने की कोशिश करें। बॉटम से क्या एनर्जी है, थ्री ऑफ कप्स। आप में से कई लोगों के पर्सन आपसे मिलने का प्लान बना सकते हैं, आपके साथ डेट कर सकते हैं, आपके साथ एंगेजमेंट फिक्स करने के प्लान कर सकते हैं, या फिर मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आज के दिन कुछ इंटरेस्टिंग उनके लाइफ में नहीं रहा तो हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स या फिर अपने सिबलिंग्स या फिर अपनी फैमिली के साथ आउटडोर कहीं घूमने जाएं, वहाँ सेलिब्रेट करें एंड अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करते हुए दिखाई देते हैं। आज के दिन आपके पर्सन को उनके करियर का स्ट्रेस है, आपके रिलेशनशिप का स्ट्रेस है और अकेले सारे कामों को हैंडल करते करते वो थक से चुके हैं, तो डेफिनेटली वो आपको कमिटमेंट, कन्फेशन देना चाहते हैं या आपके साथ रिंग सेरेमनी करके, रोका करके, एंगेजमेंट करके इस रिश्ते को एक खूबसूरत सा नाम देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। आप में से कई लोगों के पर्सन आज के दिन आपको डेट कर सकते हैं, आपको मिल सकते हैं, आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज कर सकते हैं, कमिटमेंट या कन्फेशन दे सकते हैं। आज के दिन आपके पर्सन अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं और उनकी इनर वॉइस चीख चीख के कह रही है कि अब उन्हें एक्शन लेना चाहिए और डिले और पोस्टपोन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। आज के दिन के लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। एनर्जीज तो बहुत खूबसूरत है, गाइडेंस यही है कि आपको पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक रहना है। डेफिनेटली जो आप चाह रहे हैं वो बहुत जल्द होने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो थोड़ा सा चीज़ों को इमोशनली भी देखने और समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपके पर्सन आपसे बात करते हैं तो थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। मैं कई लोगों की एनर्जीज आज के दिन चेक कर रही हूँ कि आज आप अपने पर्सन से नाराज़ दिखाई देते हैं और उनसे बात करना ही नहीं चाहते, लेकिन स्टिल आप उनसे बात मत कीजिए। अगर वो आपसे बात करें तो उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए एंड उन्हें बोलने का मौका दीजिए। और जिन रिजल्ट्स का आपको बहुत टाइम से वेट है, जहाँ आपने बहुत हार्डवर्क किए हैं, डेफिनेटली वो रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, सो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
बॉटम की एनर्जी चेक कर लेते हैं स्ट्रेंथ। आपको हिम्मत बांधे रखनी है, अपनी हिम्मत नहीं खोनी, अपनी होप नहीं खोनी। डेफिनेटली आपके हार्डवर्क्स आपको पे ऑफ करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, एनर्जी बहुत खूबसूरत है। मे गॉड ब्लेस यू। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।